वर्स्ट है जू में, इनसे भी पूछ के बता दो तुम्हारा क्या है भाई, मतलब कैसा लगा तुमको जू? मैं तो यार Marhabaan everyone, it's Rani Baug and with a brand new chik-chik-thuk video. तो वो सब के लिए सॉरी, वो सब एक्साइटमेंट की वजह से हो गया और वो सब चलते रहेगा, उसको माइंड मत करना क्योंकि मैं तुम लोग से मिलकर बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ पता नहीं क्यों, और ये तब तक चलेगा तब मेरी ब्लॉग बनेगी और मेरी ब्लॉग बनना रुकने वाली नहीं है क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला। और अगर तुम लोग मुझे ऐसे ही खुश देखना चाहते हो तो बस मेरे लिए इतना कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो, उससे मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स तुम लोगों को मिलती रहेगी और मैं जब भी न्यू वीडियो कोई भी अपलोड करूँगा तुम लोगों को सबसे पहले पता चल जाएगा। तो ये सब साइड में रखते हैं और हम लोग ब्लॉग की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग हर ब्लॉग में बात करते हैं। तो ये ब्लॉग बेस्ड है हमारे रानी बाग के ऊपर जो कि मुंबई का जू है, आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा। तो उस जू में मुझे पता चला कि वहाँ पर पेंगुइन्स आए, तो हम लोग देखेंगे पेंगुइन्स को जो कि ऐसे चलते हैं, हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो हम लोग जाने वाले हैं और मेरा दोस्त नीचे वेट कर रहा है मेरा बहुत टाइम से, बोल रहा होगा कि बंदा कर क्या रहा है, किससे बड़बड़ कर रहा है, उसे क्या पता मैं किससे बड़बड़ कर रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स से जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। मुझे खुश देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना आज से। तो हम लोग जाते हैं जू और देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली निंजा टेक्निक करके दिखाता हूँ, ओके? तो मेरे आँखों में आके डाल के देखते हो। बूम, तो मैं टेलीपोर्ट हो गया, पहुँच गया रानी बाग जू के अंदर। तो मैं तुम लोग यहाँ पे आने का एकदम सिंपल एंड बेस्ट रूट बताता हूँ, अगर तुम लोग बाइकर लाइस में उतरोगे तो वहाँ पर किसी को भी पूछ लेना कि रानी बाग जू कहाँ पे, वो तुम लोग को एकदम सही से रास्ता बता देगा और तुम लोग वॉकेबल डिस्टेंस से 5 मिनट के अंदर पहुँच जाओगे यहाँ पे। तो अभी जू के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पे टिकट की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ तुम लोग को। अगर एडल्ट का यहाँ पे 50 है और बच्चों का 25 है, और अगर तुम लोग यहाँ पे फोटोशूट करने के लिए आने वाले हो तो तुम लोग को DSLR का 100 चार्ज लगेगा, और अगर उससे तुम वीडियो लोगे तो तुम लोग को 300 चार्ज लगेगा। तुम लोग टिकट दिखा देता हूँ, अभी हम लोगों ने तो सिर्फ 50 है, दो लोग जा रहे हैं, हम लोग कुछ ऐसे टिकट दिखते हैं, वो ऐसे टिकट दिखता है। तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कौन कौन से एनिमल्स हम लोग को देखने मिलते हैं। चलो चल जाए, लेट्स गो। This bottle of champagne to ourselves. Drink all we want, forget about everything else. And I want to remember this moment for life, yeah. That look you gave me was staring in my eyes. And I'm never gonna let this go. Dancing real fast and slow. पहला मॉडल मिल गया, अभी मैं तुम लोग बताता हूँ मेरा मॉडल कैसा दिखता है कैसा नहीं। बहुत स्मार्ट है, डैशिंग है बंदा यार, देख लो तुम। भैया जी स्माइल स्माइल, पोजिंग दो भाई। ये हमारा ब्लू बुल नील गाय, नीला ही नहीं है भैया, तो इतना दिख रहा है पता नहीं, लेकिन ये नील गाय हमारी जो कि बहुत स्मार्ट है। तो हम लोग के पहला मॉडल तुमने देख लिया, अभी हम लोग का दूसरे मॉडल को देखो। और तुम लोग अगर भूख वूख लगे तो तुम लोग कुछ खा भी सकते हो, यहाँ पे अंदर जू के अंदर कैफे भी है तो तुम लोग वहाँ से कुछ भी खा भी सकते हो। अभी मैं तुम लोग मेरा दूसरा मॉडल दिखाता हूँ जो बहुत बहुत स्मार्ट है, उससे भी ज़्यादा स्मार्ट है, तुम लोग देखो देखो। तो ये हमारे स्पॉटेड डियर्स जो कि झुंड बना के एक ही कोने में बैठे हैं, मेरे कैमरे के सामने आ रहे ही नहीं है। ए मैं तुम लोग फेमस करने आया यहाँ पे यार, थोड़ी तो झलक दिखा अपने, यहाँ पे आओ। आ ही नहीं रहा यार, लोग बोर कर रहे हैं मेरे को, मैं जा रहा हूँ, मेरे गुस्सा आ गया तुम लोग पे, मैं दूसरे एनिमल के बाद जा रहा हूँ, तुम लोग को दिखाऊंगा ही नहीं। बाय 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 बाय। अगर तुम लोगों को पता नहीं तो बता दो, अगर तुम लोग ये जूमे आओगे तो तुम लोग को दरगाह भी मिल जाएगी जो कि मेरे पीछे हजी पीर बाबा रानी बाग वाले दरगाह, इसके एंट्रेंस यहाँ से, तो यहाँ पे दरगाह भी है। बस मैं तुम लोग ये बता रहा था, मुझे काम की चीज़ लगी तो मैंने बता दिया। अभी हम लोग फिर से अपना काम शुरू करते हैं एनिमल्स दिखाने का। और ये क्या है वो, और एनिमल्स दिख गए, रुको दिखाता हूँ। तो गाइज ये हमारे हिप्पोपोटामस जो बस खाते पीते और सो जाते,
और मोटे हो जाते हैं। अभी इनको डाइटिंग शाइटिंग करनी चाहिए यार, इतना अच्छा मॉडल बना रहा हूँ मैं तुमको यार, तुमको समझ में नहीं आता क्या यार, डाइटिंग शाइटिंग करो ना, बस आराम करते रहते दिन भर, हम लोग इसी मेहनत करो। हाँ पतले हो, अभी नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो पतले दिखने चाहिए तुम। हाँ अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे एनिमल के पास, बाय 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 बाय। देखो गाइस ये हमारे हिप्पोपोटामस, चलो चलते हैं दूसरे एनिमल के पास, लेट्स गो। तो गाइस ये सब बर्ड्स है, बाकी सब भी केज है बर्ड्स के, लेकिन वो सब खाली है, एक केज में बस इतने सारे बर्ड्स है, तो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। ये वाले बर्ड्स बहुत अच्छे, इन लोगों का नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं लोग, अगर तुम लोग को पता है तो कमेंट में मुझे बताओ कि ये बर्ड कौन सा है। ओके तो अभी जाते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमल की तरफ, चलते हैं लेट्स गो। यहाँ पे आया हूँ और मुझे मतलब एनिमल सही से दिख रहे नहीं और मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रहा, अगर तुम लोग यहाँ पे आओगे ना तो तुम लोग अच्छे से देखने मिलेंगे, मैं वो बोल रहा हूँ। और मैं अपने तरफ से पूरा बेस्ट शॉट लेके तुम लोग को बताऊँगा कैसे एनिमल्स दिखते हैं कैसे नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से बोल के रख रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे आओगे तुम लोग को अच्छे से देखने मिलेंगे एनिमल्स। और मतलब ये जो और बनने वाला है, यहाँ पे बहुत कुछ आने वाला है, जैसे कि लायन और बहुत सारे न्यू एनिमल्स आने वाले, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, हर जगह पोस्टर लगे हुए, तो वो सब देख के मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि तुम लोग थोड़े टाइम बाद आओ तो तुम लोग और अच्छे एनिमल्स देखने मिलेंगे और जो और डेवलप हो रहा है। तो गाइस मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे सामने है हेम्बोल्ट पेंगुइन्स का सेंटर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर और हम लोग देखने वाले पेंगुइन्स, बहुत मजा आने वाली, तुम लोग मेरे साथ चलो तो तुम लोग पेंगुइन्स दिखाने वाले जैसे मैंने बोला था, तो चलो चलते और देखते अंदर पेंगुइन्स दिखते या नहीं। ओके लेट्स गो। तो गाइस मैं पेंगुइन देखने गया था, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ तुम लोगों, मैं क्या बताऊँ, मैं वीडियो लेने ही वाला था, वैसे मेरे पीछे से मेरे पुलिस ऑफिसर ने मेरे कॉलर से पकड़ के तो खींच ली पीछे, मुझे बोलती वीडियो नहीं निकाल सकते, मैंने बोला अरे बाहर पैसा दे के आया मैं वीडियो का, तो बोलते नहीं यहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है, तो फिर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं तुम लोग को वो शॉट भी बताऊँगा कि मैंने कैसा शॉट लिया था वो पेंगुइन का और मेरी हालत क्या हो गई थी। ज़ू बहुत घटिया है, अगर तुम लोग ये सोच के यहाँ पे आ रहे हो कि तुम लोगों को हाँ ये भाई ज़ू है, तो एक एक कदम पे हम लोग को जानवर दिखेंगे यहाँ पे, एक कदम चलाने के जानवर दिख गया, एक कदम चलाने के दूसरा जानवर दिख गया, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर तुम लोग 100 कदम चलोगे तो अब जाके तुमको एक जानवर दिखता है, वो भी जानवर भी नहीं है यार, जानवर भी नहीं है ब्रो, वो भी इतना दूर दिखेगा कि तुम देख के बोलोगे छी यार रेगिस्तान में आ गया मैं, ऐसा सीन है। उससे अच्छा एनिमल प्लैनेट देख लो जियो ज्योग्राफी। मैं नहीं आने वाला यहाँ पे, मैं तो बोलूंगा वर्स्ट है, वर्स्ट 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 बहुत ही बस। गाइस अब मैं बहुत गुस्से में, मैं ब्लॉग पे यहाँ पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि मतलब ये पार्क बहुत ही गंदा वर्स्ट है ज़ू, मैं इनसे भी पूछ के बताता हूँ। तुम्हारा क्या है भाई, मतलब कैसा लगा तुमको ज़ू? मैं तो यार देखने को नहीं पाया पूरा, कुछ भी नहीं देख पाया ना, बहुत घटिया बोलेंगे क्या बोलेंगे, अच्छा भी नहीं देख पाया, उधर से यार इधर निकल गया। तो यार जाने तो अभी सतमा आत्मा मतलब घर पे आके मस्त देखने का, आईने में मुझको खुश हो जाने का, बस थोड़ा नहीं। तो गाइस ये बहुत घटिया ज़ू है यार, क्या बोलूँ तुम लोगों, मैं नहीं आऊँगा यहाँ पे अभी कभी, तो बस इतनी ब्लॉग थी। मैं गुस्से में भी, मैं मतलब जितना एक्साइटेड होकर आया था यहाँ पे, मेरे को लगा था बहुत कुछ करने मिलेगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार, पक्के मैंने यार अब मैं ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, तो बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, लेट्स गो घर पे। तो गाइस घर पे जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ और बोल दूँ ज़ू के बारे में, मतलब ये ज़ू ना बहुत मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत ही ख़राब था, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट लेके आया था कि मैं पूरे एनिमल्स दिखाऊंगा तुम लोगों को, इतने दिन के बाद जा रहा हूँ, मैं बचपन में गया था और अब भी आ रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोग इसे ज़ू समझ के आ रहे हो, तुम लोग बताओ इसे वे घूमने फिरने की जगह समझ के आओ इसे, फिर तुम लोग यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हो, अगर क्योंकि तुम लोग यहाँ पे एनिमल्स देखने नहीं मिलते यार, सिर्फ 3-4 गिने चुने एनिमल्स देखने मिलते, वो भी बोलो की हालत भी ख़राब रहती है, फिर वही तुम लोग यहाँ पे बताओ और तुम लोग आना है, तुम लोग सिर्फ घूमने फिरने के लिए आओ, और लेकिन इससे अच्छा तुम लोग कोई दूसरी मेरी ब्लॉग देखो, तुम लोगों के लिए मैंने घूमने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स बताए, वहाँ पे जा सकते हो, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट लगे तो कोई सस्ता है, पर 50 रुपीज़ देके तुम लोग कुछ भी नहीं मिलता है, बस इतना ही।